बिना लहसुन प्याज टमाटर के बनने वाली इस गर्मा गर्म कचौड़ी वाली आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके घर में अक्सर पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बनती हैं तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये कॉम्बिनेशन में बहुत ही औसम होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू, और आलूओं को हम रफली इस तरीके से अपने हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। इसको काटना नहीं है, बस तोड़ना है। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो कि आप कुकिंग में यूज़ करते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन जब क्रैकल हो जाए इसमें हम डालेंगे हींग। हींग के साथ हम इसमें डालेंगे रेड चिलीज। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख के हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले जलने नहीं चाहिए, फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारे तोड़े हुए आलू के पीसेस को, और आलू को हम अच्छे से एक बार मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको इसी तरीके से हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 2 मिनट के बाद आलू जो है सारे मसाले को कोट कर चुका है अच्छे से, और देखिए कितने अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इस वक्त हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना आपको सब्जी में ग्रेवी का रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। यूजुअली जो कचौड़ी की सब्जी होती है उसमें ग्रेवी काफ़ी होता है, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा पानी डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसमें जाएगा कसूरी मेथी, जो सूखी हुई कसूरी मेथी है उसको हमने ऐड कर दिया है। इस कसूरी मेथी डालने से इस सब्ज़ी में एक बहुत ही अच्छा जान आ जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस सब्ज़ी को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि आपको लगे कि जितना भी ग्रेवी आपको चाहिए उतना रह गया हो, और फिर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू का रस थोड़ी सी खटास के लिए, और एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तैयार है हमारी आलू की बहुत ही झटपट से बनने वाली सब्ज़ी। ये सब्ज़ी देखने में जितनी सिंपल और डिलिशियस लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ना इसमें प्याज है, ना लहसुन है, ना टमाटर है, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।